वेल गुड मॉर्निंग फन स्क्वाड, व्हाट्स अप। ये भाई साहब बता भी क्या कर रहे थे, ये यहाँ बैठ के विंडो पे शिकार करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे बहुत सारे पिजन आ रहे थे। देखे आपने कुछ पकड़ा, कुछ किया, कुछ काम आया आपके? बताएं ये देखे कौन आया। देखा आपने, आपके दोस्त वोस्त तो नहीं आ गए थे? तो ये पिछले 15-20 मिनट से ऐसे ही देख रहा है कि कोई पिजन या कोई इसके हाथ हत्थे ना चढ़ जाए, जिसको ये भाई साहब मार मार के अपना शिकार बना ले। हेलो मिस्टर बीगल, हाउ आर यू ब्रो, हाउ आर यू। बस ऐसे ही चल रहा है, जैसे कोई बर्ड की, पिजन की आवाज आती है ये ऊपर लटक लेता है, कोई प्लेन की आवाज आती है तो ये ऊपर लटक लेता है। अरे भाई साहब क्या चाहिए आपको, सोना है बस। ये सोने का तरीका देख लो इसका, गोदी में सोना है इसको। और कौन बोलेगा इसकी मासूम सी चेहरा देख के कि भाई साहब ये खतरनाक प्राणी है जो कि चीजों का चीर फाड़ कर देते, चीर फाड़ है ना उन्होंने। क्या क्या इसने डिस्ट्रक्शन किया, मैं कभी आपको फुर्सत में बताऊंगा, दिखाऊंगा, है ना। बिल्कुल तेरे बारे में बात करूं, तेरे बारे में बात करूं। सही कह रहा। आज का दिन थोड़ा रिलैक्स है क्योंकि शूट मेरा जो है थोड़ा लेट है, दोपहर का शूट है। बिकॉज जो क्लाइंट है शी इज कमिंग फ्रॉम हिसार, तो हम लोगों को प्लान यही हुआ कि थोड़ा दोपहर का कॉल टाइम रखे। तब तो मैं थोड़ा अपना एडिटिंग वर्क और नए वीडियोज जो है, बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ जब कोई वीडियो अच्छा बनता है और जब कोई नया टॉपिक आपके माइंड में आता है कि यार हार ये बनाना चाहिए। ये मेरे जो यूट्यूब फैमिली है या इंस्टाग्राम फैमिली वेट कर रहे हैं। आज मीटिंग्स वगैरह करते हुए दिन कहां निकल गया पता ही नहीं चला, और अब हम जा रहे हैं। यार वो गाना याद आता मुझे, पता है हम जैसे बैठे थे, दो मस्त ताने चले जिंदगी ना ना ना। हमारी जो वो है नॉटी गर्ल, वो कभी जाने के लिए रेडी नहीं रहती। कहते जाओ मम्मा पापा, गो, लीव मी अलोन, आई वांट माय ओन टाइम। वो कहती है मुझे घर छोड़ दो, टीवी दे दो और टैब दे दो। हां, शी हैड हर ओन कंडीशंस कि मैं जाऊंगी तो आई नीड दिस, आई नीड दैट, लाइक नो। ओह, आई थॉट उसने टीवी के चक्कर में मना कर दिया। तो हम जा रहे हैं मॉल। मुझे याद आया कि मुझे सुबह जब मैं रनिंग करने जाता हूं ना, तो घर क्या हो कहता है, वो सब सो रहे होते हैं उस टाइम पे 6 o'clock, तो मैं ताला खोल के वो बड़ी वाली चाबियां जो है जेब में लेके भागता हूँ, विच इज़ वेरी इरिटेटिंग। तो मुझे लगा एक वो छोटा लॉक होता है ना, नंबर वाला, वो नंबर वाला लॉक सुबह गेट पे लगा के चला जाया करूँगा। सो दैट्स व्हाट आई थॉट ऑफ, यू थिंक इट्स अ गुड आइडिया, राइट? सो वो एक लेना है। और मैडम ने अपनी कुछ शॉपिंग करनी है। एंड आई द काइंड ऑफ पर्सन आया, मुझे क्या लगता ना कि भाई सैटरडे संडे मॉल नहीं जाना चाहिए, आपको वीकडे पे मॉल जाना चाहिए। सैटरडे संडे हर बंदा मॉल होता है। एंड आई टेलिंग रीमा कि आज हम जा रहे हैं तो भीड़ भड़ाका कम होगा, नहीं होंगे लोग अभी, ये जाके देखना। मैंने बोला आपको नहीं होगा तो आज चेक करते हैं जाके। चलो चलें, ग्रीन हो गया। गाड़ियां तो अभी भी वैसे काफी है, चले आप पार्क करेंगे, करिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। क्या थोड़ा चेंज सा लग रहा है मॉल आज, ये मुझे लग रहा है सब नया आ रहा है, ये जो हो रहा है, लॉट ऑफ कंस्ट्रक्शन हैपनिंग, न्यू ब्रांड्स कमिंग इन। और क्या बात है, नॉट बैड। आपको किधर जाना है, पहले कूद के जाओगी? मैं कह रही हूँ बिकॉज़ देयर इज नो स्पेस यहां पे। मैं उधर था ना साइड से, उधर से जाने के लिए, और घूम के यू डोंट हैव टू बर्न द गैस, यू डू सो मच पॉइंट। आपको चक्कर आए कि नहीं, ये लड़की एक सेकंड में कोई कैसे शॉपिंग कर सकती है। नाउ वी जस्ट एंटर्ड द शॉप, we just entered the shop. Yeah, yeah. Bro, बता दो यार, ऐसा होता है इतनी जल्दी कोई लड़की शॉपिंग करती है? होता है? इतने भी हम वो नहीं है। Good point. So yes, we are at Englot and we just entered. और एंटर होते ही क्या ना कि मुझे लगा कि टाइम लगेगा शॉपिंग वॉपिंग करने में, भी चीज़ें देखनी होंगी। मतलब आया, एक चीज लेता, लिया और खत्म, डन। We have enough time now to go to Decaf and buy my stuff. Yes. Yeah? Ample of time. रीमा की शॉपिंग तो 2 मिनट में होगी, मेरी शॉपिंग में टाइम लग सकता है। ताला लेना है, टी शर्ट लेनी है, फिर मैं सोच रहा हूँ मैं जो रनिंग कर रहा हूँ नी का एक वो ले लूँ यार, कैप भी। नहीं, ताला तो मेरे को पता है कौन सा लेना है, वो साइकिल वाला है जिसपे नंबर लॉक होता है, तो वो ज़्यादा एक डिफरेंट चीज़ नहीं लेनी है। बट येस, एज कम्पेयर टू योर शॉपिंग इट विल बी लाइक लिटिल टाइम कंज्यूमिंग। And then I see Baskin Robbins. So when you're eating healthy, Baskin Robbins कहता है मेरे को भी थोड़ी जगह दे दो. We can stop by at Baskin Robbins also. You want to work out, right? Work out से पहले. Yeah, work out से पहले sugar rush, और फिर जाके मैं burn कर दूँगा. दुखेगा भी नहीं फिर. Done. It's your call. अगर लगता है कि sugar candy खाने के बाद ही मेरे burn calories. Okay, so ये रहा वो. This is the one which I wanted. तो मैंने इनकी ऐप पे देख लिया था, ऐप पे मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट करके रखा हुआ था। सही यार, सुबह देखो घर पे लगा दूंगा ये, और ये लगा के फिर मैं रनिंग पे चला जाया करूंगा। ये मुंह पे भी लगा सकते हैं? मुंह पे नहीं, मैं क्यों तुम्हारे मुंह पे ऐसे ताला लगाऊंगा, ऐसे क्यों बातें कर रही हो तुम? आई एम टॉकिंग अबाउट यू। मी, ओ, शरीफ आदमी ना हमेशा मार खाते हैं और हमेशा गलत सुनने को मिलता है। हाय, दिस लुकिंग गुड, यू शुड टेक दिस। अभी नहीं, थोड़ी टाइम बाद। जब मुझे रात को फाइट्स में परेशान करोगे तो मैं ये कड़क करके लगा दूंगी। मैं कम लड़ाई करता हूँ। नहीं, बट ठीक है, लेट्स गेट दिस एंड मुझे लगता है वो रहन देते हैं नी वाला। तो आई स्पोक टू सर, सर बोलते हैं कि वैसे भागो, ऐसे कोई नी पे वो डालने वालने की जरूरत नहीं है।
अभी तो मैं जवान हूँ, तेरा 25 साल का गबरू लौंडा हूँ मैं। अगर तुम्हारी रीमा की शॉपिंग में कम टाइम लगा तो मेरी भी शॉपिंग में भी कम टाइम लगा। बस हो गई और क्या। वाह, दैट क्विक। मुझे लगा था तीन चीजें चाहिए, तीसरी चीज में तो टी शर्ट लेनी थी, देख लेंगे एक बार। देखो मैं कल आया था, कल मैं ले गया थोड़ा सा सामान एंड अब दोबारा बैक टू डिकैथलॉन अगेन। सो एक मैंने देखी थी स्लीवलेस, सो वो एक राइट है, ट्रेनिंग वाली टी शर्ट सारी यही है। Vimo, anything interesting? हाँ बट वो करती कहाँ है? करती नहीं है, कराना तो चाहिए। We are naturals. तो सोचा था पहले नेरुलास जाएंगे फज खाने के लिए, बट प्लान चेंज हो गया, अब हमारे नेचुरल्स। ब्रदर चोको आलमंड का अपने को चाहिए कौन? What do you get, single scoop or double scoop? Single scoop, double scoop and three scoops. डबल स्कूप में ऑफर है सर, 10 rupees डिस्काउंट है और दो अलग अलग फ्लेवर मिक्स करा सकते हैं। दो ले सकते हैं तो डबल स्कूप कर दीजिए। कौन में? या कौन में? कौन कौन से फ्लेवर करने सर? यार एक तो चॉको आलमंड है, मैंगो, एक मैंगो ले लो। यू वांटेड मैंगो, नीचे चॉकलेट और मैंगो। क्या बात है, क्या बात है। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है थोड़ा सा। हो रहा है ना? हाँ बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। हम लोगों का कल रात को घनश्याम युद्ध हो गया था। Exactly. So, वो युद्ध की थोड़ी सी भरपाई मैं जो है करने का प्लान कर रहा हूँ। कभी ऐसा हुआ कि यहाँ पे आए हो नेचुरल्स का आइसक्रीम खाने और कभी ऐसा नहीं होता कि आपको खाली मिला हो? नेचुरल इज ऑलवेज ऑलवेज बिजी। दिल्ली हम लोग लाजपत नगर वाले में बहुत रेगुलर जाते और नोएडा वाला भी हमेशा बिजी रहता है। चेक आउट द क्यू, जो लोग लगे हुए हैं, भीड़ बड़ा अच्छा लगा हुआ है। I'm waiting for the almond one. That's my favorite, जो नीचे। इतने टाइम बाद आप हैविंग दी आइसक्रीम में दांत ऐसे लग रहे हैं जैसे कट 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 के टूट जाएंगे। और ये देखो, इतने छोटे से, कितना छोटा सा ये? Baby, miniature है, miniature. इंग्लॉर क्या है क्या ये? हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो ड्राई हो जाते हैं। हाँ। उनको ढीला करने के लिए। मैं का मॉइस्चराइजर को तो प्रोडक्ट। पड़ पड़ो, ओके। Oh no! Hi baby, पीछे पीछे भाई भाई भाई, hi how are you? आजा आजा घर आजा जल्दी से। अब मैं करूँगा आइसक्रीम खाने के बाद workout. Lucky, आजो join me. नहीं, I've done my workout. So ready? वर्कआउट के लिए नॉर्मली पता है जब मैं सुबह साइकिलिंग करता था वर्कआउट का टाइम क्या रहता था, सुबह साइकिलिंग करके आता था, थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह कर लेता था। अभी क्या हो गया, अब सारा टाइम चेंज हो गया, तो वर्कआउट जो है 9:30-10 बजे रात को होता है। सो ये रूटीन है जो मैं फॉलो कर रहा हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है, खुद को अच्छा फील हो रहा है कि यार एक रेगुलर रूटीन है, सुबह रनिंग की मैं कर रहा हूँ, शाम को वर्कआउट कर रहा हूँ। सो आई एम एंजॉइंग एंड आई थिंक कुछ ना कुछ एक्टिविटी ना बंदे को करनी चाहिए, चाहे बंदा सुबह साइकिलिंग करे, रनिंग करे, वर्कआउट करे, कुछ ना कुछ ना यू फील रियली गुड। अरे वो ना एक मोटिवेशन वाला जो एक फैक्टर रहता है ना, बहुत ही बढ़िया रहता है। बॉडी बॉय, ओ नहीं, ओ बॉय, आप नहीं जा सकते अंदर, हेलो, आप नीचे चलो। नीचे कितना टाइम लेट हो गया, टायर्ड हो गया बहुत ज्यादा। क्या हुआ, ये कौन पीता है? ये मुझे प्यास लग रही थी। रियल जूस फुल ऑफ शुगर आफ्टर योर वर्कआउट, टोटल शुगर 13.4 grams, व्हाट इज दिस? कोई बात नहीं, सर से पूछना पड़ेगा कि अलाउड है। यस सर, अभी कल बताएंगे। आप क्या करो, आप चादर फाड़ा है, आपको मिल गया पूरा मजा। ये खाने के टाइम पे एकदम पता है शरीफ बेबी बन के आता है, एकदम शरीफ बच्चा बन के साथ बैठ जाता है, अदरवाइज इसको कोई लेना देना नहीं है किसी के साथ। मुंह खोलता रहता है कहीं ना कहीं होप से एक चीज कूद के चले जाए, कुछ खुद ही कूद के चले जाए उसके मुंह में लैंड कर जाए। बट थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, और चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कॉमेंट जरूर करना, बेल आइकन जरूर हिट करना। सायरा से भी बाय करा दो। सायरा भी मैं खाना खा रहा हूँ, कल बाय कराऊंगा सायरा से। बाय बाय, ये नवेंद्र बाय।